Subscribe and press the bell icon for latest update. गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटें घटकर इसलिए 99 रह गईं क्योंकि कसाईयों और प्रस्तावित 3 तलाक संबंधी विधेयक के विरोधियों ने इस भगवा पार्टी को वोट नहीं दिया। दिसंबर में हुए चुनाव के कड़े मुकाबले में भाजपा लगातार 6ठी बार अपनी सत्ता तो बचाने में कामयाब रही, लेकिन उसकी सीटें घटकर 99 हो गईं। कांग्रेस ने 182 सदस्यीय विधानसभा में 77 सीटें जीती। जडेजा ने विधानसभा में कहा कि मैं आपको बताता हूं कि किसने हमें वोट नहीं दिया। वो कसाई लोग थे जो कठोर गौवध विरोधी कानून लाने पर हमसे नाराज थे। वो शराब के तस्कर थे जो इसलिए नाराज थे क्योंकि भाजपा सरकार कड़ा कानून लाने वाली थी। वो राज्यपाल ओपी कोहली द्वारा बजट सत्र के प्रतिदिन सदन में दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। चर्चा के दौरान विपक्ष चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन की ओर मुड़ गया था। मंत्री ने कहा कि कई विद्यालय खुश नहीं थे क्योंकि हम उनकी फीस की सीमा तय करते हुए कानून लाए। जो लोग केंद्र की भाजपा नीति सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से बचाने के लिए पेश किए गए विधेयक से नाराज थे, उन्हें हमने वोट नहीं दिया, लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए, वैसे तो कभी मंदिर नहीं जाने वाले एक शीर्ष कांग्रेस नेता चुनाव से पहले कई मंदिरों में गए, लेकिन उससे भी पार्टी को सत्ता में आने को मदद नहीं मिली। कांग्रेस को गुजरात विधानसभा चुनाव में 70 जीत हासिल हुई थी। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।